अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपके इलम में है कि हम हर तरह की मशीनें, मसलन सलांटी, लेज मेकिंग, पोटैटो फ्राइंग कंप्लीट सेटअप वगैरह, क्रशर्स, ग्राइंडर्स, सोप का मुकम्मल सेटअप, सरफ डिटर्जेंट्स और दीगर इस तरह की और भी मशीनरीज तैयार करते हैं। आप इन मशीन्स की डिटेल्स हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग्स PK और वेबसाइट www.engineerings.pk से ले सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बाथ सोप के मुकम्मल सेटअप की मालूमात देंगे, मशीन्स काम कैसे करती हैं, कितनी मशीन्स दरकार हैं और रॉ मटेरियल कौन सा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं पे भी स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई मालूमात रह ना जाए। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी मशीनें दरकार हैं इस सेटअप के लिए। पहले नंबर पर मिक्सर, जो कि मुकम्मल स्टील बॉडी 2 हॉर्स पावर की मोटर से सिंगल फेज कनेक्शन पे चलने वाली है, चाहे तो लोहे की बॉडी में भी मिल सकती है और 3 फेज कनेक्शन वाली भी तैयार होके मिल सकती है। एक वक्त में ये मिक्सर 70 किलोग्राम तक मटेरियल तैयार कर सकता है। दूसरी मशीन है प्लॉडर मशीन। इसमें तैयार शुदा मटेरियल को नूडल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उस वक़्त तक इसको जाली में से गुजारा जाता है जब तक सारा मटेरियल यक रंग ना हो जाए और लच्छे की तरह ना बन जाए। दोस्तों, ये प्लॉडर 5 इंच डाई का है, इससे कम हम नहीं बनाते और अपने कस्टमर्स का फ़ायदा, कस्टमर्स के फ़ायदे के पेश नज़र हम इससे छोटा प्लॉडर उनको रेकमेंड ही नहीं करते क्योंकि उस पर मसाइल आते हैं। दोस्तों, ये पूरा सेटअप सिंगल फेज पे चलने वाला बनाया गया है। दोस्तों, ये मशीन यानी प्लॉडर में सबसे पहले हम नूडल शेप, फिर बिल्कुल बारीक लच्छा टाइप और आखिर में इसको बार में कन्वर्ट कर लेते हैं और इस मटीरियल को ऑटो बार कटिंग मशीन पर ले जाते हैं और वहाँ पर डाई के साइज़ के हिसाब से बार कट जाती है। बार कटने के बाद आखिरी मरहला स्टैंपिंग का है। इन बार्स को स्टैंपिंग मशीन पे ले जाकर स्टैंप्स लगा दी जाती हैं और आपका बाथ सोप तैयार हो जाता है। अब आप इसे डिब्बी में पैक कर लें या प्रिंट शॉपर में और फिर मार्केटिंग करें तगड़ी सी और मार्केट में सेल कर दें या अपनी एजेंसी बना लें और डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल दे दें। इंशाल्लाह माल बिकता जाएगा, आपसे पूरा नहीं हो पाएगा। बस शर्त ये है कि अच्छा मटेरियल डालें ताकि कस्टमर्स आपकी चीज़ को पसंद करें। तो दोस्तों, इस पूरी मशीनरी को ख़रीदने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी किस्म की मशीनरी बनाते हैं या मशीनें तैयार करते हैं तो अपने कारोबार की प्रमोशन के लिए आप हमारी वेबसाइट www.engineerings.pk पर हमसे रابطہ कर सकते हैं और अपने कारोबार की तशहीर करा सकते हैं। तो हमारे चैनल engineerings.engineerings.pk को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।